लेकिन मन उसने प्रश्न किया शिशुदेव राशि के, हमने तो चंद्रमा का गोचर चेक किया ना, लेकिन शिशुदेव राशि में तो भी काम बनेगा और चंद्रमा भी ठीक है केंद्र त्रिकोण में है और शिशुदेव राशि में प्रश्न किया उसने तो काम बनने के परसेंटेज ज्यादा बन गई, प्रायिकता ज्यादा बन गई। अब उन्होंने बोला कि हमें उनको दिल्ली से उनको फरीदाबाद लड़की को दिखाने जाना है, लड़के को आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि जी हमारे यहाँ आ जाना, ये दिखा देना। ओके, अब उनको जाना है तो इसका मतलब सर लगन में प्रश्न हो मैडम, तभी तो जा पाएंगे नहीं है, अगर इस दिन में होगा तो फिर लपड़ा आ रहा है यहाँ पे, मतलब आपने तीन चार फॉर्मूले में एक साथ लगवा रहा हूँ आपसे, मतलब एक साथ लगा रहा हूँ कि अगर शिशुदेव में है काम बना, चंद्रमा की स्थिति पॉजिटिव होगी काम बना दिया, लगन की स्थिति भी मजबूत होगी तो काम बनने का आप सीधा 100% काम बने, तो ऐसा भी बन गया आपका काम, लड़की को दिखाओ हाँ कर देंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है नहीं है? तो इन चीजों को लेके चलेंगे। तो मैंने उनको बताया कि शिशुदेव राशियां स्थिर और चर का प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा प्रश्न है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मैंने कुंडली दिखाई यहाँ पे कि तो हमने दिखाया कि वृषभ लगन की कुंडली में, अच्छा ये है ना आपके पास आजकल, हाँ, तो इसमें मैंने दिखाया कि लग्नेश लाभ भाव में बैठ गया उसका जाके, जब लग्नेश लाभ भाव में बैठेगा तो लाभ कराएगा ना, वैसे भी उसका दिखाया है मीन राशि में है शुक्र, और चंद्रमा भी लाभ भाव में है, तो यानी कि चंद्रमा का लाभ भाव में बैठना, केंद्र में बैठना, त्रिकोण में लाभ ही कराएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ तो चलो मैंने एक अपनी छोटी शादी वाली बात, कोई भी अगर वो कहे कि मेरा आज कुछ काम के लिए मैं जाना चाहता हूँ तो यानी कि उसका कोई लाभ का प्रश्न है, आय से संबंधित प्रश्न है, तो इसका मतलब है उसको आय से संबंधित प्रश्न में आय होगी, लाभ होगा, क्लियर? ऐसी चंद्रमा जहां जहां बैठेगा तो आप उसमें एडिशनल बात बोल सकते हैं कि जहां वो बैठेगा उससे उस घर से संबंधित बात की आप बात करो, किससे संबंधित कोई काम है तो ये काम बनने का योग बन रहा है, ठीक क्लियर? आगे चलो, ऐसे भी बहुत प्रश्न हमारे पास में आते हैं है ना, ये है कि किस अवस्था में सुख अधिक,